पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अभद्र टिप्पणी मामले में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा बयान देने बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने अपने वारंट रिकॉल करा लिए। अदालत में हाजिर न होने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब केस की सुनवाई 21 मार्च को होगी। मुरादाबाद के लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में पेश होने के बाद अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा ने कहा कि ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है, मैं देश की हर महिला के सम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और उनके अन्य साथियों की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है। मैं भारत की बेटी हूँ और देश की अन्य महिलाओं के लिए हमेशा संघर्ष करूँगी। देखिए, ऐसा है कि एसटी हसन और उनके लोगों ने जिस तरह हमारे ऊपर जो षड्यंत्र के साथ उन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह के जो अभद्र टिप्पणी किए हैं और एक महिला के ऊपर इस तरह के जो टिप्पणी करना, ये मुझे बहुत आहत लगी है और इसके वजह से मैं उनके ऊपर आज मैं लड़ाई इसलिए लड़ रही हूँ कि सिर्फ जयप्रदा के सम्मान की बात नहीं है, यह सारे देश में महिलाओं के और बेटियों के सम्मान के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि इस देश की बेटी होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि दूसरे कोई भी धर्म के महिला हो या अन्य जो है जो बेटियाँ हैं तो उनके लिए भी कोई भी इस तरह का शोषण करना बंद करे। आज मैं इसीलिए मैं माननीय अदालत को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा सम्मान किए, लेकिन मेरे सेहत के वजह से, मेरे हेल्थ इश्यूज के वजह से मैं यहाँ पे अपने आप को मौजूद नहीं कर पाई। आज मैं इसीलिए थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यूज से मैं ठीक हूँ अभी थोड़ा सा, इसीलिए मैं अदालत में आके अपनी हाजिरी दी और NBW वो सब से राहत मिल गए और कैंसिलेशन हो गए। और दूसरी बात यह है कि मैं वैभव जी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे तरफ से उन्होंने काउंसलिंग किया है, हमारे लिए बहुत साथ दिए हैं, सपोर्ट किए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।